आप क्या समझे इसमें? ये समझे एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू ऑल थर्ड पार्टीज फॉर हिमसेल्फ एंड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ सच एक्ट हैज बीन डन फॉर बिजनेस ऑफ फर्म, यानी अगर फर्म के बिजनेस के लिए ये काम किया गया है तब ये रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज जो बिजनेस एक्टिविटी एरिया में नहीं है वो नहीं। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटीज, व्हाट इज, तो इसके लिए बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी है वही वो सब चीजें जो किसी भी नॉर्मल बिजनेस में बिजनेस को रन करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी एरिया ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। जितने भी ऑपरेटिंग एरिया हैं, जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, वो सभी इस बिजनेस में माने जाएंगे। जैसे कि माल को खरीदना, बेचना, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। तो जो इंप्लाइड अथॉरिटीज हैं सेक्शन 19 में दे रखी हैं सभी, तो सबसे पहली बात है कि व्हाट आर द इंप्लाइड अथॉरिटीज। इससे पहले आपने अभी अभी क्या पढ़ा कि पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, इट मींस, बताइए इट मींस क्या हुआ? पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्ट ऑफ पार्टनर, पार्टनर जो भी काम करता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर क्या हो जाते हैं? मेक्स अदर पार्टनर्स या रिस्पॉन्सिबल, यही तो कह रहे हैं आप लोग। तो कोई भी काम जिससे पूरी फर्म बाउंड हो जाए, थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, वो पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटीज है। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब है जिससे फर्म को चलाने में मदद मिलती है वो पार्टनर्स की अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी है। वो पार्टनर्स की क्या है? तो यानी इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? एम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर, तो इसका मतलब है ये है पावर ऑफ पार्टनर्स। क्या है? बाय डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप उसे मिलेंगे, जिसके लिए किसी बात की लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी राइटिंग मटेरियल, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपको उसे लिखना पड़ेगा, वो ऑलरेडी पावर है। जैसे कि क्या किसी पार्टनर को सामान खरीदने की या बेचने की पावर है? सही है ना। तो अब अगर बाई चांस बाकी पार्टनर्स राजी नहीं है तो मेजोरिटी तय कर लेती है। अगर किसी पार्टनर, अब आप लोग पार्टनर हो, आप लोग कहीं से उधार माल खरीद कर लाते हो, अब एक बार तुम गए बाकी पार्टनर से पूछे बगैर,
तुम बाकियों से पूछा नहीं और तुम चले गए और जाकर माल खरीद कर ले आए। अब बाकी पार्टनर तुम पर हो रहे हैं नाराज, क्यों थर्ड पार्टी को पैसे तुम लोग दोगे ही नहीं दोगे, आप लोगों को देने पड़ेंगे ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ये पार्टनर एजेंट है दूसरे पार्टनर्स का, अगर इसने जानबूझ के कोई नुकसान किया है तब भी आप जिम्मेदार हो। तो पार्टनर्स, ठीक है ना, तो इफ एनी एक्ट विच इज डन बाई हिम ऑटोमेटिकली बाइंड्स यू, तो ये क्या हो गया, एक्ट ऑफ पार्टनर मेक्स अदर पार्टनर्स लाइबल, थर्ड पार्टी जिम्मेदार हो गई। तो जो वो एक्ट था जो इसने किया वो क्या था, इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी, वो क्या था इसका, इसने नहीं कहा, थर्ड पार्टी जानती है, थर्ड पार्टी बिलीव्स, ठीक है, कि ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है किसी भी पार्टनर्स के। तो अब सवाल उठता है कि इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे पहचाने, व्हाट आर द फीचर्स, फीचर्स ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी की क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहचाने, मैं अगर थर्ड पार्टी हूं तो मैं कैसे पहचानूं कि वो थर्ड पार्टी है, वो जो मैं थर्ड पार्टी हूं तो मैं कैसे पहचानूं कि वो जो आपने काम करा है वो आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी थी मुझे, और सबसे बड़ी बात है मुझे पहचानना जरूरी क्यों है। देखो मेरे को पहचानना इसलिए जरूरी है कि अगर मेरे से, मैं थर्ड पार्टी हूं, मुझसे गलती हो गई है पहचानने में, तो फिर मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाऊंगा, तो मैं आप पूरी फर्म से पैसे नहीं ले पाऊंगा, मैं फिर वो पैसे किससे ले पाऊंगा, सिर्फ उसी पार्टनर से। तो इसलिए ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि इंप्लाइड अथॉरिटी क्या है। अगर मैंने इंप्लाइड अथॉरिटी पहचान कर ली तभी मैं फर्म को क्या बना सकता हूं, और अगर मैं इंप्लाइड अथॉरिटी पहचानने में गलती कर गया तो मैं पूरी फर्म को रिस्पॉन्सिबल नहीं, फिर ऐसी हालत में वो लॉस कौन देगा मेरे को, वो इंडिविजुअल पार्टनर अपने पर्सनल लेवल पर करेगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए एक बिजनेस करते हुए मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं थर्ड पार्टी हूं तो मेरी, तो सामने वाले की क्या इंप्लाइड अथॉरिटी है, और अगर मैं पार्टनर हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे साथ जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटी हो सकती है। दूसरी बात, मुझे इंप्लाइड अथॉरिटी अपने पार्टनर्स की पसंद नहीं है, मुझे इंप्लाइड अथॉरिटी अपने पार्टनर्स की पसंद नहीं है, मैं उसे चेंज करना चाहता हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं इंप्लाइड अथॉरिटी, मैं नहीं देना चाहता इसे अधिकार खरीदने का, इसे मालूम नहीं, उसे इसे उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, ये हमेशा उधार जब भी खरीद कर लाएगा, कैश या उधार, हमेशा नुकसान में ही खरीद कर लाएगा, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? तो जवाब है यस, इंप्लाइड अथॉरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन एग्रीमेंट। तो जब मैं एग्रीमेंट बनाता हूं तो मैं इंप्लाइड अथॉरिटी को चेंज कर सकता हूं, समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है, इंप्लाइड अथॉरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन एग्रीमेंट, अदरवाइज इट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट। ये बातें समझ में आ गई। अब ये बात तो समझ में आ गई कि हम इंप्लाइड अथॉरिटी को चेंज कर सकते हैं लिखकर, हमने तो चेंज कर लिया, थर्ड पार्टी को तो नहीं मालूम, अगर थर्ड पार्टी को नहीं मालूम तो तब भी हम जिम्मेदार हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अब आप लोगों का कि इफ अबाउट ए चेंज इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी इज नॉट इन नॉलेज टू थर्ड पार्टीज, देन फॉर सच एक्ट फॉर्म इज लायबल और नॉट, तो जवाब होगा यस, इन स्पाइट देयर इज ए चेंज इन एम्प्लॉयड अथॉरिटी बट फॉर थर्ड पार्टी होल फर्म इज लाइबल, पूरी फर्म जिम्मेदार है भाई। अब आप कहेंगे सर फिर फायदा क्या हुआ इस चेंज का, तो इसका जवाब यह है कि क्योंकि थर्ड पार्टी को ये सब मालूम नहीं है इसलिए वो यूजुअली ले रहा है, क्या ले रहा है, तो इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, यूजुअल होती है, मैं अभी इस पर आऊंगा अभी। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, इंप्लाइड अथॉरिटीज आर यूजुअल पावर्स, ठीक है,
ऑफ ए पार्टनर विच आर कॉमनली अवेलेबल इन सच टाइप ऑफ बिजनेस, यानी जो उस तरीके के बिजनेस हैं उसमें जो कॉमनली अवेलेबल है वही उन्हीं को यूजुअल पावर ऑफ ए पार्टनर कहते हैं और उसी को एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं। समझ में आ गया? पूरे भारत में देखिए सब जगह अलग अलग व्यापार होता है, तो कुछ व्यापार ऐसी जगहों पर हो रहे हैं जहां पर कुछ अलग से पावर उधर है, और वही चीज अगर केरला में हो रहा है तो वहां पर वो राइट अवेलेबल नहीं है। तो अपने अपने एरिए के हिसाब से जो पावर्स किसी भी फर्म में उस टाइप ऑफ बिजनेस में, उस जैसे टायर इंडस्ट्री है तो टायर इंडस्ट्री में जिस तरीके का जो कल्चर चल रहा हो, क्लॉथ इंडस्ट्री है तो क्लॉथ इंडस्ट्री में जो चल रहा हो, एक ज्वेलरी इंडस्ट्री होती है हीरे जवाहरात वाली तो उसमें जो कल्चर चल रहा हो, तो जैसी इंडस्ट्री में जिस तरीके का कल्चर उस जगह पर चलता है वो यूजुअल पावर हो गई पार्टनर्स की और वही एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। ये बात समझ में आ गई? चेंज करते हैं तो पार्टनर पर्सनली लायबल है एक दूसरे के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टीज को यूजुअल पावर्स मालूम होनी चाहिए। अगर उसने यूजुअल पावर में जो वहां लोकल कस्टम में चलता है उसमें उसने गड़बड़ नहीं करी है तो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल बना सकती है फर्म को। पर अगर थर्ड पार्टीज को यूजुअल पावर के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है, और उसने गलती से ऐसा कर लिया तो वो फिर वो पार्टनर ही जिम्मेदार है, फर्म जिम्मेदार नहीं है, यानी उस एरिए में वो कल्चर नहीं है और मैं थर्ड पार्टी हूं और मैं गया वहां पर और मुझसे गलती हो गई, बाद में मुझे पता लगा गलती हो जाने के बाद कि इस एरिए में पार्टनर्स को ये पावर्स होती ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है इस तरीके की पावर्स, तो फिर ऐसी हालत में अब मैं फर्म को क्या नहीं बना पाऊंगा। मैं कोर्ट से ये नहीं कह सकता कि जी मैं बॉम्बे में बिजनेस करता था और बॉम्बे में तो ऐसा कल्चर था तो इसीलिए क्योंकि बॉम्बे में आप मेरे को ये परमिशन देते हो तो यहां भी वही मेरे को परमिशन दो। तो कोर्ट क्या कहेगी? भाई यहां पर कस्टम नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए थी जिस जगह आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नुकसान में नहीं जाने देंगे, आप फर्म से नहीं लें, आप पार्टनर से पर्सनली लें। समझ में आ गया? तो ये बातें क्लियर हो गई। तो अब मैं आ रहा हूं कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी की पहचान कैसे करें, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो एसेंशियल फीचर्स क्या है आइए बात करते हैं, मिटा देते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब है एल नहीं है, और इसके अलावा और क्या क्या नहीं है? हाँ जी, तो देखिए अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उस कोर्ट में जो चल रहा है मामला उसे आर्बिट्रेशन तक ले जाना, ठीक है, किस में ले जाना? हाँ जी, तो सबमिट ए सूट फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है? कि पंचायत ना, पंचायती फैसला जो करवाना, तो आप ऐसा फैसला नहीं करवा सकते। विड्रॉ एनी सूट, सूट का मतलब मुकदमा, कोई भी मुकदमा वापस ले लेना, ठीक है, नहीं कर सकते भाई। इसके अलावा कोई भी मुकदमा वापस नहीं ले सकते, किसी को ऐसी हालत में रिलिंक्विश नहीं कर सकते। लिंकिश का क्या मतलब होता है? माफ करना, त्यागना, त्यागना बेस्ट वर्ड है, त्यागना, सैक्रिफाइस। तो रिलिंक्विश नहीं कर सकते आप किसी भी आदमी को, ठीक है। रिलिंक्विश एनी क्लेम ऑफ फर्म, ठीक है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो फर्म ने थर्ड पार्टी से कोई क्लेम लेना है और आपने उसे रिलिंक्विश कर दिया तो ये आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। विड्रॉ एनी सूट ऑफ फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से ऐसे नहीं कर सकते। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सब क्या है? इसके अलावा पांचवा, इक्वायर या ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म, किसी भी फर्म की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना, ये क्या नहीं है? ये
इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। और इसके अलावा और क्या नहीं है इम्प्लाइड अथॉरिटी? आप किसी दूसरी फर्म से पार्टनरशिप कर ले, मेकिंग पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ, तो फर्म के नाम पर किसी और से पार्टनरशिप कर लेना, ये सब क्या नहीं है यूजुअल कोर्स में? क्या नहीं है यूजुअल कोर्स में? क्या नहीं है ये? तो यहां पर लिखना पड़ेगा यूजुअली दीज आर नॉट इंप्लाइड अथॉरिटी। अब देखिए मैं अपनी बात को काटने जा रहा हूं, क्या कि अगर कस्टम ऐसा है, इफ ठीक है कस्टम्स अलाउ, यानी जो उस व्यापार की प्रथा है वो अलाउ करती है, ठीक है इन यूजुअल सेंस, इन यूजुअल कोर ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो फिर ये इंप्लाइड अथॉरिटी जो अभी अभी मैंने मना करी, ये क्या बन जाएंगी? एम्प्लॉयड अथॉरिटी बन जाएंगी। यानी तब आप क्या क्या कर सकते हैं? तब आप प्लेज या सेल एनी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, अगर उस कस्टम में ऐसा चलता है तो आप उस फर्म की प्रॉपर्टी को गिरवी भी रख सकते हो, बेच भी सकते हो। समझ में आ गया? और इसके अलावा ओपन डे बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, और ठीक है सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। तो आप कहेंगे सर ये सारी चीज यहां लिख दोगे आप, तो ठीक है। तो नॉर्मली इसका जो जो कवर्ड है एम्प्लॉयड अथॉरिटी में वो वही है जो हमने वहां पर तीन चीज मेंशन करी थी। क्या चीज मेंशन करी थी? तो विच आर नेसेसरी टू ऑपरेट टू बिजनेस, तो वो सारे काम जो बिजनेस को चलाने के लिए होने चाहिए, और उसके लिए अब मैंने आपको तीन तरीके के फीचर्स बताए थे, तो वो इंप्लाइड अथॉरिटी में आ जाएंगे। क्या है? नंबर एक क्या होने चाहिए? वो सबसे पहली बात है कि बिजनेस के यूजुअल कंडक्ट एरिया में होने चाहिए, ठीक है, कि मतलब यूजुअली इन बिजनेस, वो बिजनेस में होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है जी, क्या लिखवाया था? तो यूजुअली इन बिजनेस, तो एक्ट फॉर फर्म, एक्ट के फर्म के लिए किया गया हो, फर्म के लिए किया गया हो, और इन द फर्म्स नेम, फर्म के नाम से किया गया हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से देखिए, कि कहीं क्वेश्चन में इस बात की हेडिंग तो नहीं बताई हुई। कि अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कस्टम, ठीक है, ये जो गतिविधियां हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये अलाउ हैं, तब आपका आंसर यस होगा। पर अगर क्वेश्चन में ये नहीं छपा हुआ, ध्यान दीजिए, ये भी नहीं छपा हुआ और ये भी नहीं छपा हुआ, तब आप इन सबको नॉट कवर्ड में मानेंगे। तब आप इन सबको किस में मानेंगे? यानी आप ये मानेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये नॉट कवर्ड। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक। कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हमने सीखा, हमने देखा कि ज्यादातर राइट्स इधर भी आ जाते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, और पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर होता है या नहीं होता है? तो जवाब है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो फिर हमेशा यही जवाब है कि नहीं, वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। समझ में आ गया? पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिस तरीके की टाइप ऑफ इंडस्ट्री में कर रहा है उसमें वो बैंक अकाउंट ओपन यूजली हो जाया करते हैं, और फिर लिखा हुआ है कि आप बताइए कि अगर वो बैंक अकाउंट ओपन करता है तो क्या ये उसका राइट है, तो हम कहेंगे यस इट इज हिज इंप्लाइड अथॉरिटी।
इम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्चुअली राइट हो गए और वो बाय डिफॉल्ट राइट हो गए. बात समझ में गए? राइट ऑफ पार्टनर, जो मैंने आपको इससे पहले क्लास पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि राइट ऑफ पार्टनर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट देते हैं उन्हीं को इम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं, उन्हीं को. तो पार्टनरशिप जो है इनको अधिकार नहीं देता. पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर ये अधिकार में बनाने हैं तो दो ही तरीके से बन सकते हैं, या तो कस्टम या फिर एग्रीमेंट, यानी इम्प्लॉयड अथॉरिटी. ये सब चीजें कब बनेंगी? आइए वापस आता हूं मैं इधर. तो क्या इम्प्लॉयड अथॉरिटी, ये सब इम्प्लॉयड अथॉरिटी कब बनेंगी? बिकम, ये सब, ये सारे काम बिकम इम्प्लॉयड अथॉरिटी कब बनेंगे? इफ कस्टम अलाउज, इफ या तो उस व्यापार की जो प्रथा है वो अलाउ करे, या बाई चेंज इन एग्रीमेंट, बाई चेंज इन एग्रीमेंट या मैंशनिंग इन एग्रीमेंट, मतलब कि मैंशनिंग इन, आप एग्रीमेंट में उसको मैंशन कर लें जब आप पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो फिर वो बिकम इम्प्लॉयड अथॉरिटी, वो इम्प्लॉयड अथॉरिटी बन जाएगी. समझ में आ गया? अब मैं ये बात कर रहा हूं कि जो थर्ड पार्टी है, अब उसका क्या है? अगर उसे आपके इस चेंज के, अगर कस्टम अलाउ है तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है, थर्ड पार्टी को पूरा राइट है उस पर किसी भी फर्म को लायबल बनाने का. पर अगर आपने चेंज करा तो क्या थर्ड पार्टी जिम्मेदार है? हाँ जी, यस. तो यानी अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट में चेंज कर लिया तो थर्ड पार्टी का क्या होगा. तो देखिए, थर्ड पार्टी पोजीशन, तो इफ कस्टम अलाउ तो थर्ड पार्टी मेक लाइबल, मेक टू फर्म को वो रिस्पॉन्सिबल बना सकती है. समझ में आ गया? और अगर आपने एग्रीमेंट में चेंज कर लिया तो यहां पर दो आता है, दो लॉ होते हैं. एक, थर्ड पार्टी नहीं जानती, थर्ड पार्टी नहीं जानती, ठीक है, और एक थर्ड पार्टी क्या है, जानती है. सही है? अगर थर्ड पार्टी इस चेंज के बारे में नहीं जानती तो फिर ऐसी हालत में यही रूल हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी मेक रिस्पॉन्सिबल टू फर्म. भाई आपने कोई एग्रीमेंट में कोई चेंज करा लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं मालूम. थर्ड पार्टी को कैसे नहीं मालूम? ना तो आपने उसे कोई लेटर भेजा, ठीक है, तो ऐसी हालत में थर्ड पार्टी क्या समझेगी? यूजुअल कोर्स में मानेगी. तो यूजुअल कोर्स में माने के कारण थर्ड पार्टी की नुकसान जो है, अब उसे कोर्ट उसे फर्म के लिए बोलेगा कि भाई आप इसका लॉस पूरा करो. इन्हें सपने थोड़ी आ रहे हैं कि तुम जो बैठे बैठे अपने आप चेंज कर रहे हो. और अगर थर्ड पार्टी जानती है, आपने उसे कभी लेटर भेजा है या इससे पहले मुकदमा हो गया, बात समझिए आप, मुकदमा हो गया उसमें थर्ड पार्टी जीत गई, फिर उसके एक साल के बाद वही गलती दोबारा से हुई, थर्ड पार्टी अब भी कंपनसेशन पहुंचने कोर्ट में पहुंच गई, तो अब थर्ड पार्टी को कोई कोई वो नहीं मिलेगा कंपनसेशन. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोर्ट ये कहेगी अब तो तुझे मालूम है, तो अब मेरे से कंपनसेशन लेने क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है, तो अब तुम्हें खुद ही सावधान रहना था. तो ऐसी हालत में थर्ड पार्टी, ठीक है, मेक्स रिस्पॉन्सिबल किसको? टू दैट स्पेसिफिक पार्टनर, सिर्फ उसी जो वो इंडिविजुअल पार्टनर है उसी पार्टनर को जिम्मेदार बना सकती है, नॉट फर्म, फर्म को नहीं बना सकती. समझ में आ गया? ये था, ये जो पढ़ा हमने, ये जो पढ़ा है यहां पर, ये सेक्शन 20 है. सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी कब जिम्मेदार बनेगी और कब थर्ड पार्टी कब जिम्मेदार बना सकती है और कब जिम्मेदार नहीं बना सकती है. और सेक्शन 20 में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी जो अभी हमने बात करी थी, जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी यूजली नहीं मानी जाती, वो कब इम्प्लॉयड अथॉरिटी बन जाती हैं, अगर अगर व्यापार की प्रथा, व्यापार का चलन, व्यापार की यूजुअल प्रैक्टिस अलाउ करे, तो बिना लिखे भी मान लिए जाएंगी कि वो इम्प्लॉयड अथॉरिटी हैं. पर अगर व्यापार अलाउ नहीं करता है तो आप उसे लिखकर बना सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं माने जाएंगे.
ठीक है, क्लियर है? आज का लेक्चर कैसा रहा? लास्ट कि इमरजेंसी आ गई। क्या आ गई? इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी का मतलब है कोई ऐसी विपदा आ गई, कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि वहां पर मैं एक पार्टनर हूं और मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तुम सब आउट ऑफ इंडिया गए हुए हो और अब मुझे फैसला करना है, वो मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है, वो मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बाकायदा लिखकर मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है बच्चों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ भी नहीं है, समझ में आ गया? और लेकिन फिर मुझे उस मुसीबत में वो फैसला करना है, तो फिर अब ऐसी हालत में क्या होगा? ऐसी हालत में क्या होगा बताइए? तो मुझे अगर मैं वो फैसला लेता हूं तो आप मेरे जिम्मेदार हो, हालांकि मैंने अपने अथॉरिटी से बाहर आकर काम करा। तो इसे कहते हैं एक्ट इन इमरजेंसी सेक्शन 21। तो इसका रूल ये है, मैं सिर्फ बोलूंगा, लेक्चर खत्म कर रहा हूं, कि एक्ट इन इमरजेंसी का मतलब यह है कि सबसे पहली बात, व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें पार्टनर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर्स आपस में, लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फर्म और ज्यादा लॉस में पहुंच जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? फर्म और ज्यादा लॉस में पहुंच जाएगी, प्रेजेंट कंडीशन से और लॉस में पहुंच जाएगी, तो वहां पर एक डिसीजन लेना जरूरी है, सही है? तो ऐसी हालत में क्या होगा? ऐसी हालत में वो पार्टनर विच आर नॉट ऑथराइज्ड बट कैन स्टिल मेक डिसीजंस बिकॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, बिकॉज दैट डिसीजन हैज बीन टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ऑल्दो इट वॉज नॉट हिज इंप्लाइड अथॉरिटी, बट सिंस ही इज टेकिंग सच ए डिसीजन फॉर द सेक ऑफ फर्म, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, देन हिज एक्शन इज राइट बिकॉज इट वॉज इन द वेलफेयर ऑफ फॉर द फर्म। तो इमरजेंसी में कोई पार्टनर अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी से बाहर आकर काम करेगा तो कब माना जाएगा? जब वो फर्म के बेनिफिट के लिए, जब वो फर्म के बेनिफिट के लिए लिया गया, भले ही उससे लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये कैसे फैसला करेंगे कि अगर वही डिसीजन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं ना होता तो आप क्या डिसीजन लेते, तो आप कहते मैं भी तेरा वाला डिसीजन लेता, तो तब भी तो लॉस होता ना, तो ये फर्म के बेनिफिट में है, इसका मतलब तुम भी वही डिसीजन लेते जो मैंने लिया, तो इसलिए अब आप मेरे को गलत नहीं बोल सकते, समझ में आ गया? तो ऐसी हालत में इमरजेंसी में मैं एम्प्लॉयर अथॉरिटी में हूं नहीं, तब भी थर्ड पार्टी जो है हमारी फर्म को जिम्मेदार बना सकती है, सही है? क्लियर है? ठीक है जी, इसके बाद इससे जो आगे की क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ, ये जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कई स्टूडेंट्स मेरी बात हुई है, तो आपसे भी बात हुई थी मेरी, तो मैंने उसका रिस्पांस पता करा कि मेरे क्लासेस का रिस्पांस जो है वो क्या चल रहा है वीडियो लेक्चर्स का, तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि आप सब भी मेरे वीडियो लेक्चर से सेटिस्फाई हैं और आप लोग क्लास के क्वालिटी से भी सेटिस्फाई हैं, कुछ एक फीडबैक्स आपने दी हैं तो टेक्नोलॉजी लेवल की हैं, वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए कोशिश करेंगे हम और अच्छा करें, ठीक है? लेकिन आप लोगों को मैंने आपको बताया कि जब भी आप जो भी लेक्चर पढ़ रहे हो अगर आप मेरे नोट्स ले सकते हैं तो नोट्स के साथ पढ़ें, अदरवाइज क्लास के बाद जरूर पढ़ें, और जो कुछ भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं वो सब जब जब मैं आपको मौका देता हूं तब आप उसे लिखें, या अपना वीडियो को पॉज करके फिर उसे आप उसे उतार लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करें, ठीक है? ठीक है, ऑल द बेस्ट।